नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और आज का जो गेम प्ले होने वाला है बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने वाला है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं कुकिंग सिम्युलेटर। जी हाँ, वही कुकिंग सिम्युलेटर जो आपने पीसी में खेला है या पीसी वाला गेम प्ले देखा है, तो वही गेम डेवलपर्स ने उसी गेम को वी आर में बनाया है। तो ओरिजिनल गेम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बट फुल वी आर एक्सपीरियंस में। देखना ये कि कितनी डिशेस हम बना पाते हैं आज के गेम प्ले में, और हमारा रिव्यू क्या आता है पहली बार खेलने के बाद। और साथ ही साथ देखना है क्या कोई इंडियन डिश यहाँ पर बन पाएगी। आपकी फेवरेट इंडियन डिश कौन सी है भाई, कमेंट करके बताना। या फिर आप जिस देश में रहते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी डिश क्या है, नेपाल में है नेपाल, बांग्लादेश है बांग्लादेश, श्रीलंका है श्रीलंका, जिस भी देश में रहते हैं आपकी फेवरेट डिश क्या है। मेरी है आलू का पराठा। और इसी के साथ करते हैं शुरू आज का गेम प्ले। तो यहाँ पे आ चुकी है हमारी गेम की स्क्रीन। भाई ये तो वही लोगो है जो मैंने पीसी में देखा था। मेरा बहुत लंबे समय से भाई इस तरह का कोई सिम्युलेटर गेम खेलने की इच्छा थी, कुकिंग वाला, और फाइनली वो इच्छा पूरी हो रही है। म्यूजिक यहाँ पे बजता हुआ, और गेम यहाँ आ चुकी है। मैं कहाँ पर हूँ, कहीं किसी कमरे में हूँ रेस्टोरेंट के। यहाँ पे न्यू गेम सेटिंग्स क्रेडिट के ऑप्शन है, ठीक है। न्यू गेम पे क्लिक करने पे कुछ ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, सैंडबॉक्स, कुकिंग स्कूल, ओके, लीडर मोड, चैलेंज, और करियर मोड। इसमें भी करियर मोड भाई, खाने पीने का। हम लोग भाई पहले ट्राई कर रहे हैं कुकिंग स्कूल। यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरह से हम खेलते हैं ये गेम को। तो फाइनली हम लोग हमारे किचन में पहुंच चुके हैं। भाई वो सब क्या हो रहा है, मेरी पहली नजर कमी पे पड़ी, वो क्या करंट निकल रहा है उसमें, चिपक जाऊंगा भाई मैं। ब्रेड के टुकड़े हैं, कुछ चीजें और भी यहाँ पे, हर जगह टास्क है, और ये टास्क हमें सिखाएगा कि गेम में करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक ब्रेड का टुकड़ा है, मुझे इसमें नाइफ उठानी है। ओ भाई एक नहीं दो दो उठा सकता है, और अरे भाई ये देखो दो दो नाइफ, खतरनाक वाली एकदम। और मुझे अभी इस, अरे सॉरी गिर गया, ठीक है। अच्छा ऐसे में झुक के उठा सकता हूँ, ये अच्छा ऑप्शन है। झुकना जरूरी नहीं है, आप ये दबा के खड़े हो सकते हैं, झुक सकते हैं। मुझे इस ब्रेड के चार टुकड़े करने हैं। अब देखो भाई मेरा 25% कैसे होता है, ये दो हो गया यार, अबे ठीक है पूरा काटेंगे तो ये होगा, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, चार टुकड़ा करना है, हुआ कि नहीं। ओ बहुत तेजी से करना पड़ता है, इसको प्लेट में रख देना है, 1 2 3 और ये 4। और जैसे आप करते हैं ये आपका जो पहला टास्क है डन हो जाता है। उसके वजन भी आ गए, मतलब इसमें एक है जो, ये देखो कितने ग्राम का है वो भी बता रहा है, 46 ग्राम का है। तो मैंने चार टुकड़े कुछ इतने ग्राम के किए हैं, बहुत सही है यार, ये भी पता लगता है इसमें। अगला टास्क जो है हमारा यहाँ पर कुछ है, ठीक है चलते हैं, आ जाओ यहाँ पर। अरे आलू वालू रखा है भाई, यहाँ पे आलू है, ब्रेड है, कॉर्न है, ये क्या है इसका नाम, ब्रोकली, हाँ ब्रोकली है यहाँ पर, टमाटर रखे गए हैं, सेब रखे गए हैं। मैंने पहले ही बताया था भाई आप खा नहीं सकते हो, तो भले कितना भी अच्छा अच्छा सामान रखा हो आपके सामने, अनफॉर्चुनेटली आप लोग, मतलब हम लोग खा नहीं पाएंगे। टास्क देखते हैं क्या है, टास्क की तरफ चलें अगर, तो कुछ इस तरह का टास्क है। यहाँ पे हमें टेक अ प्लेट फ्रॉम द स्टैक, वहाँ से प्लेट लेनी है, पोटैटो डालना है, ओनियन डालना है, ओपन द फ्रिज एंड पुट वन सैल्मन पाइस ऑन द प्लेट, ठीक है। तो ये हमने उठा ली प्लेट, अब हमें उठाना है यहाँ से एक टमाटर, नहीं एक ऑनियन और एक पोटैटो। पोटैटो तो भाई आई थिंक यही पोटैटो है, अच्छी बात है कि तुरंत दिखा देता है कि क्या है। तो ये पोटैटो हो गया, ओनियन कहाँ पर है वो देखते हैं हम लोग। ओनियन इसमें से अब देखने में तो लग रहा है ये ओनियन है, बट ये गार्लिक है, ये ओनियन है, ये ओनियन ऐसा ओनियन जब वो अलग तरीके का ओनियन है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है, उसके बाद फ्रिज जाना है, उसके अंदर एक सालमिन पीस रखना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ओके मैं तो अभी पहले मैं एक प्लेट रख दूँ, क्योंकि इसको हमेशा पकड़ के रखना पड़ता है। फ्रिज ओपन कर रहे हैं हम, अरे भाई यार ये तो ऑटोमेटिक वाली है, पुराने जमाने वाली जैसी नहीं कि इतनी बड़ी खोल दी तो खुली रहेगी। अब इसमें सलमन पीस क्या होता है भाई, पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि इसमें सलमन पीस है क्या। एक जमाने में क्राउच करता है, ठीक है, एक जमाने में क्राउच करता है, ठीक है। ये वाला तो खुल गया भाई, ये पीछे मत आया, ठीक है। अब यार तुम चिपक ही जा, ओए खुल गया, सही में खुल गया, ओके। ज़्यादा देर फ्रिज खुले नहीं रखनी चाहिए, ये नियम है, ठीक है। तो भाई मैंने सारे लगभग देख लिए, मुझे लग रहा है यही एक है सामान जो है वो हमारा यही सामान है। तो मैं इसको जाकर यहाँ पे प्लेट में रख दे रहा हूँ, और आई थिंक अभी इस प्लेट को कुछ करना है क्या मुझे, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या, ठीक है ये डन होता हो तो मैं प्लेट यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो ये हमारा टास्क पूरा हो गया। मतलब आप इस तरह से चीज़ों के बारे में देख सकते हो, अपने टास्क पूरे कर सकते हो। कुछ और भी टास्क है, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है, ये आम क्यों लगी हुई है इसके अंदर, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। रिपेयर भी है क्या, टेक फोन, चूज रिपेयर कंपनी,
वेट अंटिल रिपेयर इज ओवर। अच्छा ऐसा? ओ भाई ये देखो, ये तो खतरनाक है। अच्छा हाँ, ये स्क्रीन आ रही है। ओके, इससे मुझे रिपेयर वाले को चूज रिपेयर कंपनी। अच्छा, किसी भी रिपेयर कंपनी को मैं कॉल कर सकता हूँ। अच्छा, सब पर टाइम है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 22 सेकंड, 33 सेकंड। सबसे महंगा वाला ये 33 सेकंड, सबसे सस्ता होगा 11 सेकंड भी है। तो ये सारी सर्विसेज है, मैं इसको कहीं भी कॉल कर रहा, ठीक है, मैं तुक्का कॉल कर रहा हूँ, जहाँ लग जाए वहाँ लग जाए भाई, ठीक है। 1 2 3 बैकर्स एंड सन पे आया, प्लीज ओनली विद हैंड्स, पॉज ओनली विद हैंड्स फ्री। तो यहाँ पे मैं ग्रिप कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर चालू हो गया, रिपेयरिंग चालू हो गई भाई, ये रिपेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोन हम रख देंगे, बाकी दूसरा टास्क देते हैं, तब तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर है, यू कैन पॉर लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर, किस तरह से काम करना है। एक बोतल लेनी है, उसमें 100 ml का ऑलिव डालना है पॉट के अंदर। अरे भाई, ये वन ऑफ द टफेस्ट टास्क लग रहा है, यहाँ हर चीज़ों को कुछ कुछ मिलीमीटर में ही करना है। हमारा भाई रिपेयर हो चुका है यहाँ पर, आइए देखते हैं। जी हाँ, डन डन डन, ये डन होता हुआ। अभी हम लोग आगे वापस से हमारे इस मिशन की तरफ, जहाँ पे हमें एक बोतल हनी और ऑलिव दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ये हनी है, ये ऑलिव है। मैं हनी को ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं हनी का बोतल ले रहा हूँ, यहाँ पर रख दिया मैंने। उसमें एड मिनिमम 100 ml ऑफ ऑलिव टू द पोर्ट, ठीक है। ये पोर्ट है ना, ये पोर्ट है, नहीं भाई ये पोर्ट नहीं है। देखो ये क्या है बताऊँ, ये बॉल है और ये पोर्ट है भाई। अच्छा है, इसी बारे में मुझे मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जा रही है थोड़ी। जब मैं इसको निकालूंगा डब्बे को, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही निकालते होंगे। जी हाँ, और मुझे 100 ml डालना है ऑलिव। अब ये कैसे पता लगेगा, आई डोंट नो। अच्छा हाँ, ये वो लिखा आ रहा है भाई, 19, 20, 23, 27, 28, अरे बाप रे, 70, 9, 80, 93, 97, 98। अरे यार 2 ml ज़्यादा हो गया। अबे पूरा गिर गया कि है उसमें, पता नहीं भाई, दिख नहीं रहा इसमें है। अरे यार पता नहीं है, अबे गिर गया कहीं पर, गिरा तो गिरा क्यों नहीं भाई, अबे फिर गिरेगा। अच्छा भाई अभी पता नहीं है कि नहीं, एक बुन गिरा के देखता हूँ। अरे गिर गया पूरा शहर यहाँ पे भाई, और कुछ ज़्यादा हो गया, सॉरी, खुशी खुशी में पता ही नहीं लगा। ठीक, मैं अच्छा इसमें कम कर सकता हूँ शायद। अबे अभी पूरा गिरेगा ये, ठीक है। और 30, ओके ओके ओके, 94 भाई इसको गिरा दे, जो भी है गिरा दे। ये दाग पड़ गया, जिस बात का डर था वही हुआ है। 94 ml था ना, 2 ml, 99, अरे यार 100, चलो ये 100, एग्जैक्ट 100 ml हो गया, ठीक है। ऑलिव टू द पोर्ट, ठीक है, अभी ऑलिव भी डालना है। मेरे को लगा ऑलिव नहीं डालना होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, ऑलिव भी डालना है। आई थिंक डब्बा बंद कर दूँ, नहीं तो फिर गिर गिर गया तो सब दिक्कत हो जाएगी। डन, हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो भाई, तो गलत बात है यार, ठीक है डन। अब इसको मुझे डालना है 100 ml, पहले मैं थोड़ा तेजी से डालूंगा। 101 ml, हाँ सही है सही है सही है भाई, 101 ml इज नॉट अ बैड नंबर, एक नंबर तो चलता है। बंद हो जाए, पकड़ के ही डालना पड़ेगा क्या, बंद हो गया सर। एड मिनिमम 30 ml ऑफ हनी टू द पॉट, अब ये क्या चीज़ है, मिनिमम 30 ml ऑफ हनी टू द पॉट, ठीक है। अब हमें 300 ml डालनी है, तो भाई पहले ठीक है, मैं भाई गलत पढ़ लिया था, मुझे इसको 300 ml करना है। हो गया 100 पहले था, अभी 205 डाला, तो हो चुका है। टर्न ऑन द टैप, ठीक है, टर्न ऑन द टैप, हाँ आपको पानी दिखाता हूँ कैसे चालू होता है इसमें, कैसे होता है भाई। ओके, बॉट पोर्ट के अंदर 200 ml पानी डालना है भाई, ध्यान रखना बहुत तेज नल है, 1 सेकंड धीरे होता है। अरे डेवलपर से ध्यान रखता है इस चीज का, अरे हाँ यार हो गया 200 ml, अरे एक बार में हो गया 200 ml, ऐसा होता है यार, पता ही नहीं मुझे। अब कह रहा है मुझे इसको टेस्ट करना है, मुझे अपना हाथ डालना है इसमें, और फिर ओपन हैंड का है उसे, और फिर मुंह पे लगाना है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द मिक्सचर, पुट योर ओपन हैंड इन द पॉट एंड देन मूव इट टू योर माउथ, ठीक है, मूव इट टू योर माउथ। अरे हो गया सही में, टेस्ट कर लिया हमने, और ये टास्क हमारा पूरा हुआ है। 50.4 वाटर है भाई, ये मिक्सचर के बारे में सिखाया है हमें।
और मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा भी दिखाऊं, अभी तक हमने खाली उधर उधर का हिस्सा देखा, यहाँ पर देख सकते हो टीवी भी रखा हुआ है। तो भाई ये जो है ये हमारा ये हिस्सा जो है ना, यहाँ पे माउस के थ्रू आप सारा अपना बाकी का चीज़ें देख सकते हो, अपना अपने खासकर गेम से रिलेटेड अपने इसको मैनेज कर सकते हो, रेस्टोरेंट को कुछ पर्क्स मिलेंगे देख सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। इसमें इंडियन फूड अगर मैं देखूँ तो मुझे आई थिंक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, एटलीस्ट देखने में इंडियन हो, अभी देखना पड़ेगा कोई इंडियन फूड हो तो। सीरियसली भाई ये वड़ा पाव, हनी मस्टर्ड, अच्छा ये फ्रेंच फ्राइज है, चलो देखने में तो वड़ा पाव ही लग रहा है, वड़ा पाव को फ्रेंच फ्राइज ही कहते हैं क्या? ठीक है, ये सारे डिशेज हैं यहाँ पे, इसको आप ऑर्डर कर सकते हो माउस के थ्रू और अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो यहाँ पर एक टैबलेट पड़ा है जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पीसी की जरूरत ना हो तो, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो चीज़ों को, प्रोडक्ट देख सकते हैं, स्पाइसेस कोई भी चीज़ चाहिए आप डायरेक्ट कर सकते हो। अभी हमें एक स्मॉल पॉट बाय करना है, तो ये रहा स्मॉल पॉट, ये मैंने क्लिक किया और ये बाय का क्लिक कर दिया और सीधे मेरे हाथ में आ गया। वाह, ये तो भाई लोग होम डिलीवरी करते हैं, सीधा हैंड डिलीवरी करते हैं, गुड सर्विस। चलते हैं भाई थोड़ा गैस को भी यूज़ कर लें, ये गैस का फंडा क्या है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है नॉनवेज आइटम, ये लाइक पे तो मैं ना ही छूँ क्योंकि देख के मुझे मतलब छू के उल्टी आ जाएगा ऐसा है, पर ठीक है ये है क्या स्टीक करके कुछ ऐसा है, इसको मुझे पहले तो ऑन करना है, फिर मेरे पास दो औजार तो नहीं कहूँगा जो हमारे पास रसोई के सामान है उससे मुझे इसको चेंज करना है। ठीक है ओके, ये मैंने चेंज कर लिया, मुझे मालूम नहीं भाई कौन से कलर पर ये जला हुआ या पका हुआ कहलाता है, तो आई डोंट नो। अब ये कह रही है गेम की जब तक ये पक नहीं जाता तब तक आपको वेट करना है, मतलब हमें वेट करना है, वेट अंटिल द स्टिक्स आर रेडी। ठीक है तो ये हो गया रेडी, तो मैं इसको उठाऊंगा, अब जगह है नहीं कहीं तो भाई यहीं पे रख देंगे हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं मुझे भी। तो ये हमारा डन होता है, चलते हैं अब गेम की तरफ, रेस्टोरेंट के कुछ ऑर्डर्स लेते हैं जो वहाँ से लिए जाते हैं, कुछ और चीज़ें भी आपको दिखानी है, हम मेन मतलब आगे की स्टोरी में बढ़े। यहाँ पे कुछ आइटम रखे गए, ये है क्या रूफ कूलर है, कुछ कोटा कटर, ओके कटर है ये, ओके इसके अंदर सामान डाल दो फिर ऐसे रख दो फिर ऑन कर दो, अच्छा नहीं इसके ऊपर डालो अंदर से डालो कट के आएगा भाई, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा वाला। ठीक है और ये है मिक्सर, ये तो बताओ हाथ डालो तो क्या होगा भाई, अरे हाथ हाथ चला गया, फूड प्रोसेसर कंटेनर, ये ज़्यादा ये गलत था। और यहाँ पर भाई ऑब्वियस सी बात है हमारा ओवन आ चुका है, इसको मैं ऑन कर सकता हूँ, इस पर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई भी है, स्टार्ट का ऑप्शन है इससे स्टार्ट होगा। ठीक है तब जो स्टार्ट में, अच्छा पहले पावर तो डालो, ठीक है अच्छा लो मिड हाई ये सिलेक्ट करना है, अच्छा ओके, और ये स्टार्ट का ऑप्शन है, ओ 5 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड के लिए कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो आप चाहो तो, ओके यहाँ से स्टॉप का भी ऑप्शन है, सही है बॉस, ये सब ऑप्शन भी हैं हमारे पास जो हम अभी गेम में यूज़ करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये बर्तन धोने का है क्या, जब तो ऐसा ही रहे क्लीन करने का, मुझे नहीं पता भाई ये एक्जैक्टली क्या है, ये तो गर्म करने का है, तो आग वाला कुछ है देख के पता लग रहा है, बट ये समझ नहीं आया मुझे, और ये क्या है, ये क्या है जीरो लिखा आ रहा है इस पर, वेट वाला है क्या, ठीक है चलते हैं भाई अब गेम पे, हम जा रहे हैं करियर मोड के साथ जो कि असली है इसका गेम प्ले, जो मेन मतलब डेवलपर्स ने ऑप्शन दिया कि ताकि आप इस गेम को एक रिदम में खेल सकें, बाकी सैंडबॉक्स ऑप्शन है आप ट्राई कर सकते हो फ्रीली माइंड के साथ में। तो ये हमारा रेस्टोरेंट आता हो, ये टेप उस वक्त नहीं था ये, ठीक है अब यहाँ पर करियर मोड की शुरुआत हो गई, हमें एग्जैक्टली करना क्या है, ओके ये देखो भाई आई एम द मैनेजर ऑफ दिस प्लेस सिंस इट इज योर फर्स्ट डे आई विल शो यू द रोप्स, ठीक है थैंक यू क्लिक टू कंटिन्यू। इनको लग रहा है कुछ चीज़ें कम है तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फाइंड द टैबलेट ग्रेविट और हमें कुछ मार्क्ड एरिया पे जाना है यहाँ पर, लेट्स गो, ये हमें हेल्प कर रही हैं, ये हमारे मैनेजर हैं जो आज हमारे पहले दिन करियर मोड में हमें मिली है, हमारा टैबलेट ढूंढना है हमें, ओके करियर मोड की शुरुआत ऐसे होती है तो गेम, ओके अब क्या करना है मुझे बताओ भाई, ठीक है हाँ ये रहा, बाय वन टाइम ब्लेंडर, ठीक है मैंने यूटेंसिल में लास्ट टाइम देखा था ये रहा ब्लेंडर 250 रुपीज़ का है, मैं 2 पीस कह रहा हूँ बाकी करेंसी कुछ और है, तो ये डन करते हैं हम लोग, इसको हमने रख दिया टैबलेट को यहाँ पे, ये हर चीज़ को साफ सुथरा रखो, रेस्टोरेंट है नया टास्क मिल चुका है बाय वन टाइम बेक ट्रे, ठीक है ये क्या मेरे हाथ में आ गया, अच्छा हाँ इसमें नियम है, ओ कैसे घूम रहा है भाई कितना रियलिस्टिक, अभी रख दे, वन बैक ट्रे मंगाना है हमें, ठीक है आ जाओ बैक ट्रे आ जाएगा सीधे मेरे हाथ में ही आएगा, ये अजीब है सीधा हाथ में आ गया भाई, जगह नहीं है रखने की, हाँ और क्या लगाना है और भी लाना है कुछ, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर और पबजी आ गया भाई, आवाज भी आ रही है,
भाई ऐसा ऐसी स्क्रीन होनी चाहिए, कहाँ गया, अरे गिर गया नीचे। ऐसी स्क्रीन अगर जिस दिन लैपटॉप में आ जाएगी, इसके अंदर आप पेन से भी मार रहे हो तो भी उसको कुछ नहीं हो रहा, तब मजा आएगा। छोड़ दो भाई यहाँ पर, कह रहे हैं कि आप पीसी मैनेजर पे जाओ, अपने पीसी पे जाओ और हमें यहाँ पर रेसिपीज अनलॉक करानी है जो हमारे पास नहीं है। वो रेसिपीज अब हम लोग यहाँ पर नॉट ऑन रेसिपी में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर से एक रेसिपी बाय करनी है जो है पैक्ड ट्राउट। इसकी कीमत अभी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो ये हमने बाय कर लिया। कुछ और चीज़ें भी यहाँ बाय करने को कह रहे हैं, मतलब अनलॉक कराने को कह रहे हैं, एक्चुअली रेसिपी अनलॉक कराना है अब यहाँ पर, टमेटो शॉप भी अनलॉक कराना है। और ये पहला दिन है इसलिए पहली कुछ डिशेस हमारी फ्री कर दी गई हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। ये मेरा भाई पूरा देख सकते हो क्या आदत हो गई मेरी मेज की, अब ये कह रही कि मैंने आपकी मदद कर दी है, अब तुम मुझे ये बैग्ड ट्रूट बना कर दो। बैग्ड ट्रूट क्या होता है, ठीक है यहाँ पर बैग्ड ट्रूट आ गया, एक्चुअली मैं गलत जगह खड़ा हो गया हूँ, कोई बात नहीं। इसको बनाने के लिए मुझे जो जो चाहिए, ठीक है 50 ग्राम वो चाहिए, ट्राउट बनाना है मुझे, ठीक है। पहली बात तो भैया देखो, सारे सामान को तुम एक तरफ ले चलो, तो मैं सारे सामान को एक साथ भाई ये मेरा आज के गेम प्ले का सबसे खतरनाक टास्क है, ये सारी चीज़ों को मुझे इसके ऊपर इस तरह से रखना है कि गिरे ना कुछ भी, और हम लोग अधिक से अधिक ट्रांसफ़र कर पाएँ चीज़ों को जितना दूर हो सकता है। मैं यहाँ गिर गया सब कुछ, गिर गया सब कुछ, गलत बात है भैया। अबे यार ये क्या बवासीर मचा दिया भैया, अबे तेरी फंस गया अंदर, मुझे लगता है आधा तो ऐसे ही गिर गया। ठीक है इसको हटाओ भाई, इसको मैं ऐसे रखता हूँ। आज मेन टास्क छोड़ो, मेन जो गेम उसको छोड़ो, अभी हम लोग अपनी गेम बना दी है। आ जा भाई यार बहुत दिक्कत है, क्या क्या करना पड़ रहा है। ठीक है एक और है, बहुत अच्छे भाई अभी लग तो रहा है कि मैंने लगभग कर दिया है। अरे गिरना मत तुम लोग, अबे भाई गिरो मत ना, ठीक है अब खड़े हो जा, पहला काम तो ये कर तू, ठीक है अब कुछ ऐसा रख इसके ऊपर जो गिरे ना, ठीक है। ओए भाई यार इसको ऐसे रख ठीक है। ए गिर मत भाई, गिर मत यार, टूट गई, ये किसकी बोतल थी, अरे यार ये कौन सी बोतल थी, बन गया भाई आज आपका सलाद। अबे फिर गिर गया, अरे यार रख दे यहाँ पे, रख दे यार, ये क्या गलती कर दी मैंने, शिट जितना अफसोस करो अभी कम है भाई यहाँ पे, ये क्या फोड़ दिया मैंने, देखना पड़ेगा मुझे नेट पर से, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है भाई, यहीं पे मेज थी यहीं पे हो जाता सारा काम। और एक बात और बता दूं, वहाँ पे लिखा हुआ है आपको मार्क्ड एरिया में जाना है, तो भाई अब मैं मार्क्ड एरिया पे आ रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पर जो चीज़ें करनी है। ओए मछली तो भाई जल की रानी हुआ करती थी, अभी यहाँ पर फ्रिज की पता नहीं क्या बनी है, फ्रिज पे बनी हुई है जो भी है, ठीक है वो मुझे वहाँ पे काटने के लिए बुला रही है। अरे यार मछली काटूँगा मैं, ब्रह्मचारी नहीं क्या कहेंगे उसको, मतलब हाँ नॉन वेज वाला भाई, ठीक है आ जाओ इसको काटना है हमें। एक रखना है कि दो रखना है, कितना चाहती है, एक चाहती है, ठीक है। ब्लैक पेपर मारना है इसके ऊपर, क्या क्या दिन आ गया यार भाई, आप में से कितने लोग, मैं मुझे मालूम है कई लोगों को मछलियाँ बहुत पसंद होंगी, बट ब्लैक कहाँ गया ब्लैक पेपर, अब क्या बदकिस्मती, एक चीज़ जो बाहर थी वही है, और सिर्फ 5 ग्राम डालना है, देख नज़र रखना भाई गिरेगा 5 ग्राम, कितना हुआ 1 ग्राम लेस देन 1 ग्राम, अबे गिर, ये क्या दिखा रहा है लेस देन 1 ग्राम, कहाँ दिखा रहा है, अभी भी लेस देन 1 ग्राम दिखा रहा है, 7 ग्राम हो गया, ओके हो गया, ओके इसमें पता नहीं कि 1 ग्राम दिखा रहा है, ठीक है लेट्स गो। सीजन विद डिल एंड ड्राइड, डिल ड्राइड ये एक नाम है कि दो नाम है भाई, डिल जो ड्राइड, अच्छा सूखे हुए डिल के साथ, आ जा बेटा सूखा हुआ डिल कितना है 5 ग्राम, हो गया मेरे ख्याल से हो गया, ओके ओवरऑल दिखाता है उसमें, और थाइम डालना है यहाँ पे ड्राइड, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ड्राइड वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो फॉलो नहीं कर, अब गिर गया एक और चीज, चलो कोई नहीं भाई कौन खाएगा ये बता दो, हाथ ऊपर कर दो भाई जिसको इंटरेस्टेड हो, ये क्या कहते हैं मैं कहाँ बाहर गिरा रहा हूँ मैं भाई, देखो आप मेरे से अगर बाय करोगे नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा आजू बाजू गिरा हुआ तो ये फ़ायदा है आपको। बैक ट्रे के अंदर रखना है बैक ट्रे, ओके ये है क्या बैक ट्रे, यही बैक ट्रे भाई इसके अंदर रखना है, ओके आ जाओ
ये हमने रख दी बैक ट्रे में। ओके, अब अभी हमें इसको ले जाके अपर ओवन में रखना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपर ओवन में रखते हैं। भाई देख के जला वाला मत देना, क्योंकि ये मैंने यूज नहीं किया था लास्ट टाइम, ना ही मैंने देखा भी था इसको। तो ये मेरा अपर ओवन में जाता हुआ हमारा ट्राउंड बंद कर दिया है, भरा चालू कर दिया है। भाई कुछ क्या निशान आएगा, मैंने बिल्कुल देखा नहीं है। आई डोंट नो कि कैसे होगा ये, भाई बता देना। जल हो गया तो फिर से पूरा करना पड़ेगा, और तेज होता है क्या? नहीं, बंद हो जाता है ये, ठीक है ना। येल्लो जोन है वो बंद जोन है, ठीक है। दो ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। जा रहे हैं हम लोग, लेमन को रख रहे हैं यहाँ पर कटिंग बोर्ड के ऊपर। ध्यान ये रखना है कि ट्राउट हो ना जाए, ठीक है। आई थिंक दो हिस्सों में काटना होगा इसको। ये तो मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला हिस्सा आई थिंक वो ट्राउट जब बन जाएगा तभी पता लगेगा। अभी येल्लो जोन चल रहा है उसको। ओके, हो गया। चलो 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 जल्दी दौड़ो भाई, मछली बन के तैयार है। ओह क्या गरम गरम धुआं निकल रहा है। अबे छोड़ मत उसको, वो ऑन, अरे ऑफ तो कर ले। गलती हो जाती भाई, बहुत बड़ी। इसको निकाल लेते हैं। ओरे बंद हो ना हो, बंद हो मुझे कोई मतलब नहीं। इसको रखते हैं टेबल पर, बहुत गर्म है, हाथ जल जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया है। ऑप्शन देखते हैं अब क्या आ रहा है। तो ये आ गए हम लोग यहाँ पे, और ये हमने रख दी मछली यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा हॉर्सल डाइस डालना है। ट्राइड मछली मेरा हाथ सामने आ रहा है, तो ट्राइड जोन आ रहा है। ठीक है, 1 3 एक बार और डन। अब थोड़ा अजीब सी चीज़ है यहाँ पे, कह रहे हैं पुट लेमन इनटू 4, मतलब शायद दो चार टुकड़े में काटना है उसको शायद। वही सोचो, मैंने चक्कू बाय किया तो था, कहाँ गया भाई। और चक्कू का अब यूज़ आ रहा है, मुझे लगा था शुरू में होगा बट शुरू में नहीं है। मुझे इसको चार टुकड़े में काटना है, ठीक है। 1 2 भाई ऐसे लींबू मैंने जैसे काटा है वैसे आप मत काटना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं काटते। अभी क्या करूँ यार, ऐसे काट नहीं पा रहा मैं। अरे ठीक है, ऐसे में रखना, हाँ परफेक्ट है। अबे यार जा, छोड़ो भाई, ए नीचे से निकल गया। ठीक है, ये कट गया हमारा, चार हो गए। नींबू 1 2 3 और ये हुआ हमारा 4। तो अभी के लिए यहाँ पर जो दिखा रहा है, हम लोग जा रहे हैं इसको आगे के प्रोसेस के लिए, जो कि है मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर कुछ करना है हमें, यहाँ पे कुछ फ्रेश लीव्स हैं वो हमें इसके ऊपर डाल देनी है ताकि देखने में अच्छा लगे। ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो है ना, ये 6 ग्राम हो। अब यहाँ पे एक्चुअली 6 ग्राम दिखा नहीं रहा है, बट ठीक है, आवाज आ चुकी है, मतलब हमने अपनी पहली डिश क्लियर कर ली है। और अब हम जा रहे हैं इसको अपने ऑर्डर पे देने के लिए, जो कि हमारी मैनेजर ने दिया था। और यहाँ पे हमने इस पर क्लिक कर देना है, और हमारा जो ये है डिश बैकड्रॉप, ये सर्व हो गया है। अब ये आगे से प्रोसेस हो जाएगा भाई, को टेंशन नहीं। कितनी रेटिंग मिली है? 5 में से 5 फेम मेरा 8 बढ़ता हो भाई। मैंने पहले ही बार में अपना जो कहते हैं ना कि वो गेस्ट का कंप्लेंट्स भी आई है, नहीं ठीक है, परफेक्ट अनबिलीवेबल तरीके से भाई हमने अपना पहला डिश तैयार किया। और भाई आज की गेम पे हम लोग यहीं रुकने वाले हैं, आने वाले पे और भी बहुत सारे डिश बनाएंगे। आज का दिन भी यहाँ पे गेम में पूरा हो चुका है, तो डे 1 का समरी भी आ चुका है हमारे पास, कितना खर्च हुआ, कितनी इनकम हुई। तो खर्च तो ज़्यादा हो गया, पहला था भाई, पहला दिन का तो सामान वामान बाय करने में काफ़ी टाइम लग गया, बोरी मैंने कोई इकट्ठा कर लिया है। हमने एक्सपी मिलते हुए कुछ पर्क्स सिलेक्ट करने को कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, फिक्स सिलेक्टेड ऑलरेडी कह रहा है। 6 स्किल्स मिली हैं यहाँ पे, इससे हम लोग अपना जो डेली प्रोग्रेस है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो भाई डे 2 पर यहाँ पे एक और नए टास्क के साथ हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बट आज के लिए रुकना होगा हमें यहाँ पे भाई। बहुत ही तगड़ा गेम प्ले, बहुत ही कुछ करने को है। खाली इसका टैबलेट ऑप्शन देख लो, खाली इसमें डिस्क देख लो कितनी सारी, वही बता देता है कि गेम कितना ज़्यादा डीप गेम प्ले। अगर आप कुकिंग सिम्युलेटर गेम ढूंढ रहे हैं, आई थिंक इससे बेहतर और इतना परफेक्ट गेम आपको नहीं मिलने वाला। सैंडबॉक्स मोड है, और आपका करियर मोड है, उसके अलावा 2 मोड्स और भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से जो लगे उस हिसाब से उस पेज से खेल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं भाई, प्लीज़ एक थम्स अप जरूर करना। बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं 3 बजे की स्ट्रीम में। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।